अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गौतम बुद्ध नगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में संचालित ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का उद्भेदन किया है, साथ ही 9 अफ्रीकी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है। मौके से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुआ है, जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में करीब 200 करोड़ रुपया की गई है। पुलिस ने 100 किलोग्राम ड्रग्स बनाने की सामग्री भी जब्त की है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार अफ्रीकी नागरिकों के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। दरअसल ग्रेटर नोएडा के जैतपुर बसंतपुर गांव में बने 3 मंजिले की इमारत के पास से गुजरते हुए अजीब बदबूदार सी गंध आती थी, लेकिन लोग समझते थे कि यहां रहने वाले लोग मटन पका रहे होंगे। घर की लाइटें हमेशा ऑन रहती थी, आधी रात के बाद भी। लेकिन करीब 4000 की आबादी वाले गांव में किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहां बड़े पैमाने पर ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री चल रही है। बुधवार को पुलिस ने यहां छापेमारी कर 9 अफ्रीकी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। मौके से 46 किलोग्राम MDMA जब्त किया गया, जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 200 करोड़ रुपया की गई है। इसके साथ ही 100 किलोग्राम ड्रग्स तैयार करने की सामग्री भी जब्त की गई है। सूरजपुर एरिया में थीटा 2 स्थित मकान नंबर 279 पर स्वाट टीम बीटा 2 सूरजपुर और दादरी प्रभारी की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। इस मकान में ड्रग्स की फैक्ट्री चल रही थी। वहां से फैक्ट्री चलाने वाले अफ्रीकी मूल के नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। एक कार और 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। मकान से 3 डायरियां भी बरामद हुई है, जिसमें हम जानकारी मिली है। डायरी में 200 से अधिक लोगों के मोबाइल नंबर भी लिखे मिले हैं। पुलिस को उम्मीद है कि इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में डायरी मददगार साबित होगी। विदेशी नागरिकों को और उसके पश्चात एक और नागरिक को, 9 विदेशी नागरिकों को जो अफ्रीकी मूल के हैं, उनको यहाँ पर किराए के एक भवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित मेथ ड्रग MDMA, जिसे टेक्निकल फॉर्म में जाना जाता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़ा। इस पूरे सेटअप में कमर्शियल स्तर पर ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के अप्लायंसेस पाए गए हैं, बॉइलिंग यूनिट्स पाए गए हैं, कमर्शियल डिस्टिलेशन अप्लीचेस पाया गया है। इसके बाद तैयार सॉल्यूशन से क्रिस्टलाइजेशन करके भारी संख्या में, भारी मात्रा में इस ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग करते हुए पकड़ा गया।